अब पावर बीआई में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे, क्योंकि पावर बीआई के अंदर भी डेटा टाइप कर सकते हैं, लेकिन एक स्मॉल डेटा टाइप होता है, पूरा डेटा टाइप नहीं होगा, ठीक है। तो डेटा हमारा यहाँ पे है, डेटा पी डब्ल्यू सेलेक्ट किया, हम ओपन करते हैं। ओपन होते ही यहाँ पे एक साथ कई सीट पे डेटा ओपन कर सकते हैं, बट मेरा सीट वन पे डेटा है, हमने क्लिक किया, क्लिक करते हैं डेटा का प्रीव्यू दिख गया आपको। अब यहाँ पे मुझे लोड कर देना है, लोड हो गया। डेटा लोड होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेटा सारा, यहाँ डेटा दिख रहा है। हाँ जी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो दिखेगा उसके फील्ड्स, जो पिवट में दिखते थे। हाँ जी। डेटा में जाके सबसे पहले चेक करना होगा डेटा आपका है कि, जैसे डेट है तो डेट प्रॉपर्टी में है, नंबर है नंबर प्रॉपर्टी में है या नहीं है, आपको चेक करना। अब मान लीजिए मुझे चाहिए माने की जोन वाइज मंथ वाइज समरी, तो हमने टेबल को रखा यहाँ पे, टेबल एक लिया, इसे मैट्रिक्स टेबल लिया क्योंकि मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में चाहिए। अब इसमें मैंने क्या किया, यहां पे रख दिया जोन को और कॉलम में यहां रख दिया, यहां कॉलम दिख रहा होगा, कॉलम में रख दिया मैं डेट को और यहां क्वांटिटी को रख दिया वैल्यू। तो आप देखिए यहां 2021 का दिख रहा है, ठीक है ना सर, क्योंकि यहाँ पे ईयर वाइज क्वार्टर वाइज मंथ वाइज डे वाइज ऑटोमेटिक ग्रुप होते हैं। तो मुझे ईयर नहीं चाहिए, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए, मुझे मंथ चाहिए। आ गया मंथ का यहाँ पे, हाँ जी ठीक है सर, हाँ जी डाउट इसमें नहीं, नहीं। तो यहाँ पे इजिली आप बना सकते हैं, बट मेन थिंग इसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ पे जैसे कि आपको कुछ कैलकुलेशन करना है, जैसे आपने बना लिया, अब मुझे यहाँ पे ये जो आपका है आपके सामने आपको दिख रहा है ये चीज आपको है, राइट। अब मान लीजिए कि मुझे मैट्रिक्स फॉर्मेट में, क्योंकि डेटा जो यहाँ पावर बी आई जो है विजुलाइजेशन के लिए है ना कि कैलकुलेशन के लिए, समझ गया। हाँ जी। तो विजुलाइजेशन के लिए है, कैलकुलेशन के लिए नहीं। तो मैंने तो क्वांटिटी को मैंने यहाँ एक बार और रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, एवरेज मिनिमम मैक्सिमम काउंट स्टैंडर्ड वेरिएशन वेरिएशन दो वैल्यू है, नो कैलकुलेशन। यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल, दिख रहा है सर। तो परसेंटेज ऑफ ग्रांट टोटल पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कि नवंबर महीने का यहाँ पे क्वांटिटी आ गई और इसकी ग्रांट टोटल आ गई, ठीक है। इसके बाद इसके थोड़ा और जूम कीजिए सर, थोड़ा छोटा दिख रहा है टेबल। हाँ, टेबल छोटा दिख रहा है, तो इसको बड़ा करने के लिए आपको यहाँ इसमें जाना पड़ेगा, इसके फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, वैल्यूज पे क्लिक करके इसकी जो फॉन्ट की साइज है वो तो यहाँ से बड़ा करना, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा है, दिख रहा है ना सर। हो गया, हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि टोटल है यहाँ पे 615 और यहाँ 21% है सर, थोड़ा हेडर भी बड़ा कीजिए। हाँ, हीडर बड़ा करने के लिए फिर आपको हीडर का देखना पड़ेगा, हर चीज के यहाँ पे अलग अलग टिल्ड है, तो यहाँ पे अलग अलग सबकी फॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है कि आप डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम हुई तो आप यहाँ डेटा में ही कैलकुलेशन नया कॉलम ऐड करके कैलकुलेशन कर सकते। बट सर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना, ये जो आपने कैलकुलेशन किया है यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मुझे यहाँ पे क्वांटिटी ओनली और नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ और उसका ग्रांड टोटल दिखाना है, इतनी सारी फील्ड नहीं चाहिए। हाँ, तो जैसे आप, मैंने आपको तो मैंने देख ही रहा था ना, ये देखिए क्वांटिटी परसेंटेज हटा देता हूँ तो वही दिख रहा है। बट सर ये जो मतलब इन फ्यूचर के लिए भी ये थोड़ा, अगर बैकेंड से हम लोग कैलकुलेशन करें और यहाँ पे डिस्प्ले करें। हाँ, हो सकता है। तो आप वो यहाँ पे नहीं समझे, अभी तो आपका पहला डे है ना, जब आप इसके अंदर घुसेंगे तो आपको इसके अंदर पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, डेटा इंपोर्ट करने से पहले कैलकुलेशन कर सकते हैं,
अगर मेरी कॉलम, अगर मेरी डेटा अगर कॉलम वाइज होती, फॉर एग्जांपल आप टेबल पे जाइए, यहाँ पे जो डेटा जो ग्रिड है ये डेटा पे जाइए, डेटा बेस पे, अगर मेरा ये नवंबर अगर कॉलम वाइज होता, कॉलम वाइज होता, आप यहाँ पे जाइए, ये जो डेटा बेस पे जाइए, हाँ अगर ये जो डेट है ये अगर मुझे यहाँ पे हेडर वाइज होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कैलकुलेशन करने के लिए। अभी नहीं, यहाँ पे है रो वाइज, रो वाइज है, अभी इसको मुझे सेपरेट करना है। फर्स्ट मुझे कैलकुलेशन ऐसी करनी है जो नवंबर का एक सेपरेट डेटा सेट निकले और दिसंबर का हाँ एक कर सेपरेट सकते हैं। नहीं डेटा। समझ गए ना आप नहीं, आप बोल तो रहा हूँ कि आप इसमें मोस्टली कैलकुलेशन इसमें कर सकते हैं। आप जैसे हम कभी कभी क्या होता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे इसका अलग करना है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। आप इसकी एक नया टेबल बना सकते हैं, आपको इसी से लिंक टेबल चाहिए तो यहीं पे आपको मेक टेबल, टेबल टूल्स में यहाँ पे न्यू टेबल का फॉर्मूला होता है, इसमें फिल्टर का फॉर्मूला लगा के सिर्फ नवंबर का डेटा अलग कर सकते हैं, दिसंबर का डेटा अलग कर सकते हैं, फिर उसके अंदर जो सर कैलकुलेशन करना है कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका बेहतर उपाय एमटीडी निकालने का, एमटीडी से बेहतर उपाय है, और ये टेबल को सेपरेट करने से वो तो एक डिपेंड अच्छी। करेगा ना, जब आपके सामने जो प्रॉब्लम होगी उस पे डिपेंड करेगा। देखिए पहले दिन जब आपके पास जो अभी नॉलेज है बहुत ही कम नॉलेज है पावर बीआई के बारे में, इस कारण से आप सोच रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें इसमें है जो कि हो जाएगी, ऐसा नहीं कि सब कुछ हो जाएगी, कुछ चीजें है जो कि नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी हम कोई अल्टरनेट तरीका निकाल लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जुगाड़, समझ गए। तो डोंट वरी, दूसरी चीज है याद रखिएगा, आपका जो ए है पावर पिवट, सॉरी पावर बीआई है, वो डेटा विजुलाइजेशन के लिए है, ना कि डेटा कैलकुलेशन के लिए, समझ गए। आप बोलेंगे कि मैंने इसमें अटेंडेंस डेटा डाल दी, अब मैं पूरा सैलरी कैलकुलेट करके विजुलाइज करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ी होगी सर। तो बात कैलकुलेशन के लिए एक्सेल है, इसके बैकएंड के डेटा सोर्सेज है, वहां पूरा कैलकुलेट करके डेटा रेडी कर दीजिए, दैट इज द, ये डेटा को क्विकली विजुलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, हाँ क्विकली विजुलाइज करने के लिए, या डैशबोर्ड्स बनाने के लिए कह सकते हैं, इसका यूज होता है, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए तो कल से